हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल पे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। तो पहले समझते व्हाट इज अजम्पशंस एंड व्हाट इज प्रिंसिपल्स। तो देखो, बात को ध्यान से समझना, फिर हम जानेंगे कितने अजम्पशंस है कितने प्रिंसिपल्स है। देखो, अकाउंटिंग जो है वो साइंटिफिक तो है नहीं, बनाया किन्होंने, इंसानों ने बनाया। तो जब इंसान कुछ बनाता है तो अकाउंटिंग इज आर्ट, कला है। तो जब इंसान कुछ बनाता है तो उससे रिलेटेड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाता है। क्यों बनाया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन? रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाया जाता है कि सब कुछ सिस्टमैटिक मैनर में चले। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं होती फिर तो जो भी जैसे भी करे आप किसको गलत और किसको सही ठहरा सकते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रेड लाइट के रूल बने, अगर रूल नहीं होते तो कोई रेड पे भाग रहा होता, कोई ग्रीन पे भाग रहा होता, कोई येलो पे भाग रहा होता। आप किसको बोलते सही और किसको बोलते गलत नहीं कह सकते थे, पर रूल बनाया गया है तो पता है कि रेड पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है। तो अब कोई इसको तोड़ेगा तो रूल से गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो भी था छोड़ बात को। मैं समझे कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम बनाते हैं उसका पर्पज क्या होता है कि चीजें सिस्टमैटिक मैनर में चले, एक जैसा सब करे, लोगों को उसके ऊपर भरोसा ट्रस्ट हो। अगर रूल्स नहीं होते तो कोई कुछ भी करता तो किसकी बात को मान जाता, किस पे ट्रस्ट होता, नहीं होता। लेकिन रूल्स बने हैं तो हर इंसान वैसे ही करेगा, तो धीरे धीरे वो इंसानों के हैबिचुअल में जाती है और लोग उस पर भरोसा होने लगता है और चलती रहती चीजें। तो समझ गए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या, तो वही हमें यहां पढ़ना है। बिल्कुल का बिल्कुल पूरा चैप्टर जो है वो याद करने वाला, कुछ भी समझने वाला नहीं, बस याद रखना कि ये प्रिंसिपल ये कहता है, ये रूल्स ये कहता है, ठीक है? तो बस याद रखना। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते हैं अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब कि जो चीजें हम प्री एज्यूम करके चलेंगे, मतलब जो हमें मान के चलना है कि हम ऐसा मान के चलेंगे। अजम्पशंस होता है मैथ में करते थे हम 10th क्लास में 9th क्लास में, जब हम वो क्या कहते हैं मैथ्स वाले क्वेश्चन करते थे, एज एज वाले, तो लेट द एज ऑफ फादर इज दिस एंड सन इज दिस, दैट इज अजम्पशंस। तो वैसे ही अकाउंट में आपको 3 अजम्पशंस पढ़ने हैं और प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके चला जाएगा। तो जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब प्रिंसिपल्स जो पढ़ने हैं वो कुल मिला के 11 पढ़ने हैं। तो 11 प्रिंसिपल्स 3 अजम्पशंस कुल मिला के हमें पढ़ने हैं 14, और इन 14 में से कोई भी 2 या 3 आ सकता है आपको एक्सप्लेन करने को, डायरेक्ट सीधा सीधा 6 नंबर का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके ध्यान से समझ लेना। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हमने अजम्पशंस की बात करी, इस पे मैंने 2 अजम्पशंस लिखे, एक एक करके दोनों को समझते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल किसकी, अजम्पशंस की। तो फर्स्ट अजम्पशन इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो व्हाट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशंस? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये अजम्पशन होता है कि जो बिजनेस की लाइफ होगी वो इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ होगी। आप अपनी जनरल लाइफ में क्या करते हो, मान लो अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो क्या कभी हम ये सोचते हैं कि 10 दिन बाद बिजनेस बंद कर देंगे या 2 साल बाद या 4 साल बाद? कोई भी नहीं सोचता। हर इंसान जब अपना कोई बिजनेस धंधा स्टार्ट करता है बिजनेस, तो उसके दिमाग में एक चीज होती है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। हम बानी को फेल कर देंगे, नहीं सोचोगे क्या? अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या सोचोगे कि यार हाँ 2 साल में बंद कर दूंगा? कोई नहीं सोचता। सबका यही होता है कि टॉप पे जाऊं, फंडामेंटल अच्छे होंगे तो और कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो पहुंच जाओगे, वरना बहुत सारे बिजनेस बंद होते हैं। बट जो बंद होते हैं क्या वो ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हम बंद करेंगे? अगर कोई हर इंसान ये सोचने लग जाता तो फिर कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाता। तो बिजनेस जो स्टार्ट होता है उनका यही अजम्पशन है कि जो लाइफ होगी वो इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ होगी। तो देखो यही बात यहाँ पे बोली गई है, देखो लिखा है दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट एवरी बिजनेस हैज ए लॉन्ग इंडेफिनिट लाइफ, मतलब उसकी जो लाइफ होगी वो इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ चलती रहेगा बिजनेस, कभी बिजनेस के बंद होने की बात नहीं की जाएगी। सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑल फिक्स्ड एसेट्स इन द देयर बुक्स एंड कॉस्ट इग्नोर देयर मार्केट वैल्यू। ये सब बात तो एक्स्ट्रा आपको एडअप करने के लिए बोल दी गई है, मतलब बेसिकली आपको याद, क्योंकि हम आगे प्रिंसिपल में पढ़ लेंगे। बेसिकली प्रिंसिपल का जो मतलब है वो यही है कि जो लाइफ होगी वो जो पहली लाइन है यही मेन लाइन है इसकी, इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ होगी। अब मान लो 3 नंबर में आ गया तो आप सिर्फ इतना तो नहीं लिखोगे, तो इसके अलावा आपको एग्जांपल ऐड करेंगे। हाँ मिस्टर एक्स स्टार्ट हिज बिजनेस, नाम लिखना बिजनेस का, संजीव लिमिटेड, कुछ भी लिमिटेड। तो जो उनके अजम्पशंस होगा, उनकी जो थॉट्स प्रोसेस होगा, ये होगी मेरी लाइफ होगी जो बिजनेस की वो इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ होगी। ऐसे करके आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो जब ज्यादा 3 नंबर में आ जाए तो, 2 नंबर में 1 नंबर में आता डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दो, ज्यादा का आता तो आप एग्जांपल्स ऐड कर देना। एग्जांपल्स जो मैं बता रहा हूँ आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना एग्जाम में डाले टाइम बुक जो आपकी बुक में अजम्पशन के साथ एग्जांपल दिया गया है तो उस एग्जांपल को एक बार पढ़ लेना, लिख देना।
बस तो आपके वीडियो देखोगे याद रहेगा, लिख दोगे फटाफट। तो ये पहला जंक्शन हो गया गोइंग कंसर्न। दूसरा कंसिस्टेंसी। व्हाट इज मीन बाय कंसिस्टेंसी, क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी का भाई? कंसिस्टेंसी मतलब लगातार एक जैसा। जैसे मैं बोलूं क्लास में जो बैच में आने का जो टाइम है, सपोज 6 बजे का बैच है, कोई बच्चा कभी 6 बजे आ जाता है, कभी 5:30 आता है, कभी 6:30 आता है, कभी आता ही नहीं है, तो ही इज या शी इज नॉट कंसिस्टेंट अबाउट द क्लास, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। और कोई डेली टाइम पे पहुंचता है, कंसिस्टेंसी है, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब हमेशा एक जैसा लगातार। अब आते कि अकाउंट्स में इसका क्या मतलब हो गया भाई? तो देखो जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे मेथड्स और फॉर्मुले और बहुत सारे टेक्निक्स पढ़ने को मिलेंगे अकाउंटिंग के अंदर। अभी आपने नहीं पढ़ा, धीरे धीरे आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा है कि एसेट्स की वैल्यू कम होना, तो डेप्रिसिएशन के भी मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है। दो मेथड अभी आप 11th में ही पढ़ोगे, चैप्टर 14 आपका डेप्रिसिएशन। तो वट क्या कहता है, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है कि जो भी मेथड्स फॉर्मुले अजम्पशंस आप एक बार अडॉप्ट करो, आपको थ्रू आउट द ईयर वही प्रोसेस को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में मेथड बदलते रहोगे, दैट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो यही लिखा है, दिस प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस ले रहे हो, मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज बाय द बिजनेस यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस होती है, बिजनेस यूनिट कैन अडॉप्ट एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, बट वंस ए प्रैक्टिस इज चूजन इट मस्ट बी यूज फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको यही लेना है, कोई भी आप प्रैक्टिस ले सकते हो। जैसे मैंने सपोज डेप्रिसिएशन के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया, तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप रिटर्न डाउन भी ले सकते हो। बट अगर आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया, तो आपको थ्रू आउट द ईयर, ईयर टू ईयर, आपको यही कह रहे हो, ये नहीं किया पहले ये दो दिन तो एक साल ये लगा दिया, दूसरे साल वो लगा दिया, 6 महीने में चेंज कर दिया, 6 महीने वो नहीं, जो भी प्रैक्टिस मेथड टेक्निक्स आप लोगे थ्रू आउट द ईयर आपको वही कंटिन्यू करना है। तो ये देखो दो अजम्पशंस हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का काम आएगा आपके, थ्रू इसका मतलब नोट्स बना लेना आप, ठीक। अब आते हैं आगे की तरफ, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तीसरा अजम्पशंस, क्योंकि तीन ही अजम्पशंस है, फिर हम प्रिंसिपल्स पे आएंगे। थर्ड अजम्पशन है आपका अक्रूवल अजम्पशंस। अक्रूवल अजम्पशंस, अक्रूवल अजम्पशंस दो बातें करता है, एक ये बात करता है इनकम की और एक ये बात करता है एक्सपेंसेस की। क्या कहता है, तो इनकम के लिए क्या कहता है और खर्चों के लिए क्या कहता है। तो ये इनकम के लिए कहता है कि इनकम आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अर्न, एक्चुअल मनी रिसीव और नॉट, मतलब इनकम को हम उस दिन लिख देंगे जिस दिन हमने कमाया है, चाहे हमें एक्चुअल पैसा मिला हो या ना मिला हो। जैसे सपोज एग्जाम्पल आप एड कर दो, एग्जाम्पल मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, ही अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, आउट ऑफ दिस 3 लाख वर रिसीव एंड 2 लाख टेल टू बी रिसीव। 5 लाख कमाया, 3 लाख मिल गया, 2 लाख मिलना बाकी है। बट एज पर द अक्रूअल अजम्पशंस आप इनकम में जो दिखाओगे साल की इनकम, वो 5 लाख दिखाओगे, मतलब इनकम आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अर्न, जैसे ही कमाओगे आप लिख दोगे चाहे आपको पैसा मिला हो या फिर नहीं मिला हो। सेम बात ही खर्चों के लिए करता है कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इनकर्ड, एक्चुअल कैश पेड और नॉट, मतलब अगर कोई खर्चा हो गया तो आप लिख दोगे चाहे आपने पैसा पे करा हो या ना करो। जैसे एग्जाम्पल इस साल सपोज मैंने 3,000 रुपए रेंट पे कर दिया, 2,000 पे करना बाकी है, तो जेब से तो 3,000 गया, बट मैं अपना जो एक्सपेंस दिखाऊंगा वो पूरे 5,000 रुपए दिखाऊंगा, टोटल खर्चा जो हुआ इस साल का। अक्रूअल अजम्पशन नहीं कहता, देखो दोनों बातें। अकॉर्डिंग टू द अक्रूअल अजम्पशंस ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज इंटर्ड एंड नॉट व्हेन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, मतलब सेटलमेंट के टाइम नहीं, जब होगा तब। जैसे सपोज सैलरी का जो खर्चा हुआ 2,000 हो गया 1 जनवरी को, लेकिन आप पेमेंट करो फरवरी में, हुआ कब? जनवरी, तो आप जनवरी में लिख दोगे। फिर आगे देखो क्या, 10, तो आप दोनों की बात करें, रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज बट इज रियलाइज, दैट इज व्हेन सेल इज कंप्लीटेड और सर्विस आर रेंडर्ड। मतलब जैसे आप अगर गुड्स बेच रहे हो, तो गुड्स बेचते ही रिवेन्यू हो गया, चाहे कैश मिला नहीं मिला, या सर्विस देते ही रिवेन्यू हो गया। जैसे मैं सर्विस पढ़ा रहा हूं, सपोज मैंने बच्चों से 1,000 रुपए फीस ले रहा हूँ और मैंने 20 बच्चे पढ़ाए, तो इस महीने 20,000 रुपए मेरे इनकम हो गए, रिवेन्यू हो गया, चाहे मुझे पैसा 20 बच्चों का आया हो, चाहे 18 का आया हो, चाहे 15 का आया हो, रिवेन्यू में पूरा 20,000 रुपए कमाऊंगा। वैसे ही खर्चों के लिए वाइस वर्सा, देखो इमीडिएटली व्हेन डेड कास्ट सर्विस और नॉट, मतलब चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। सिमिलरली एक्सपेंस के लिए क्या, एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज एंड एक्सपेंसिस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रिवेन्यू रिलेटेड टू दिस रजिस्ट्रेशन वेदर पेड और नॉट, मतलब क्या है, चाहे आपने पैसा दिया हो या ना दिया हो, अगर आपका खर्चा हो गया तो आप लिख दो। मतलब सीधी सी बात अगर शॉर्ट बोले तो दो बातें हैं, खर्चा और इनकम। तो एक बार तीनों को शॉर्ट में रिवाइज कर दूं मैं। पहला था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या था कि जो बिजनेस की लाइफ होगी वो इन्फिनिटी पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब चलता रहेगा बिजनेस लगातार।
कंसिस्टेंसी क्या कहता था कि जो भी मेथड्स और फॉर्मूले आप एक बार लगाओगे थ्रू आउट द ईयर, आपको वही प्रिंसिपल प्रैक्टिस फॉलो करते हुए चलना है। और तीसरा अक्रूअल अजम्पशन दो बातें करता है, इनकम जब कमाओगे तब लिखोगे चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, और खर्चे जब हो जाएंगे तब लिखोगे चाहे आपने पेमेंट करी हो या ना करी हो। ये तीन अजम्पशन है। तीसरा स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो आराम से, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, याद करना पड़ेगा भाई आपको, ये है ना, तो याद कर लेना। अब आते हैं प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल तो सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी हम कहते हैं। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था और आप लोग जनरल भी जानते हो, जैसे मेरा नाम है संजीव और मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो है संजीवनी क्लासेज या मेरा स्टडी क्लब 24/7, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये है, ऑफलाइन संजीवनी क्लासेस। तो मैं ऑनर हूं और मेरा बिजनेस है, तो ऑनर है संजीव और बिजनेस है संजीवनी क्लासेस। तो जो भी काम होंगे ना मेरे नाम से नहीं होंगे, मेरे बिजनेस के नाम से होंगे। मतलब बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी एंड अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बस ये बेसिकली पार्टी कहता है, देखो ये लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर्ड अ बिजनेस यूनिट एज ए सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस जो सेपरेट है, बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू सेपरेट एंटिटी एंड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो मैंने सिर्फ मेन बात यहाँ पे लिखी है, इसमें एक दो लाइन और एड कर सकते हो आप, और अगर तीन नंबर में आया तो आप एग्जाम्पल एड कर, जैसे मैंने संजीव वाला अपना एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते, इमेजिनरी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू सेपरेट एंटिटी एंड अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर बात? अगले बातें, अगला मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, सेकंड वन इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, बात कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया था आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो मनी मेजरमेंट देखो बढ़िया, मनी मेजरमेंट जब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था वहां भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि मनी के टर्म में जो होता है उन्हीं चीजों को हम लिखते हैं इसी प्रिंसिपल की वजह से। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब वो बातें जिनको आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो उन्हीं को आप अकाउंटिंग में जगह दोगे, जिनको मनी के टर्म में नहीं दिखाया जा सकता उसको नहीं लिखोगे। अब आ रहा थी मनी के टर्म में क्या नहीं दिखाया जा सकता, जैसे मैंने बोला लेबर जो होते ना, लेबर का प्रोडक्टिव लेबर मतलब उसकी बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, मेहनत कैसे बताओगे कि हाँ 100 रुपए का मेहनत 500, क्वालिटी है ना वो, तो क्वालिटी को आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसको नहीं दिखाया जाता। तो देखो ये लाइन है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म। मतलब जो मनी के टर्म में होगा वही बातें लिखी जाएगी, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको नहीं लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं। तीसरा आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो हमने पढ़ा एक चीज कि जो बिजनेस की जो लाइफ होती है इन्फिनिटी पीरियड, मतलब चलता रहेगा बिजनेस, चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा कभी, लेकिन हमें एक टाइम इंटरवल के बाद ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमारे बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो जैसे मैं तो क्वेश्चन में क्या होता है, हम हर 12 महीने के बाद अपने बिजनेस का नेट रिजल्ट देखते हैं कि हमें इस 12 महीने में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ या लॉस हुआ तो कितना, मतलब नेट प्रोग्रेस देखना। जैसे आप लोग पढ़ने जाते हो स्कूल में, तो आप जब आप 3 या 4 साल को तो आपका एडमिशन हो जाता है, आप पढ़ते हो 16-17 साल तक स्कूल में पढ़ते हो तब जाके बाहर निकलते हो, लेकिन हर एक साल के बाद आपका एग्जाम होता है 12 महीने में, जिसके बाद आपको पास करके अगली क्लास में भेजा जाता है या फेल करके उसमें रख दिया जाता है। तो ये क्यों होता है, तो आपका नेट प्रोग्रेस देखने के लिए कि आपने कुछ सीखा भी है, सीखा है तो आगे प्रमोट करेंगे वरना फेल कर देंगे। सेम बिजनेस में भी है, हर 12 महीने के बाद हमें देखना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस है, क्या हमारा प्रोग्रेस है। तो उस 12 महीने के पीरियड को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये दो तरह का हो सकता है, जनवरी में स्टार्ट होगा दिसंबर में खत्म होगा डेट इज कैलेंडर ईयर, अप्रैल से स्टार्ट होगा मार्च में खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में जितने भी काम होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के थ्रू होते हैं। तो वही लिखा है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द लॉन्ग लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू जस्टिफेबल अकाउंटिंग पीरियड सो एज टू हेल्प बिजनेसमैन टू नो द रिजल्ट ऑफ द पीरियड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। मतलब पता चलना चाहिए ना कि हाँ भाई क्या मेरा प्रोग्रेस है, ऐसा ना कि चलाते रहूंगा बिजनेस कुछ प्रोग्रेस ही देखूंगा, तो देखना होता है उस प्रोग्रेस, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्लियर बात? अगला फुल डिस्क्लोजर। देखो आपको याद होगा जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी चैप्टर फर्स्ट पढ़ाते टाइम कि बहुत सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सबको कुछ ना कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे ऑनर को, मालिक को चाहिए कि बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, पोजीशन क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिसीजंस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स है और सबकी अलग अलग नीड्स इन्फॉर्मेशन की। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर यूजर्स शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक।
मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए सब डिस्क्लोज करो। पर बात आती ये बनाने का क्या पर्पज है प्रिंसिपल, मान लो प्रिंसिपल नहीं बनाया होता, अभी बनाने से क्या मतलब है कि अब हमें वो सारी बातें दिखानी होगी जो यूजफुल है यूजर्स के लिए, एक रूल बन गया। अगर रूल नहीं होता तो हम सिर्फ अच्छी बातें दिखाते बुरी बातें बताते ही। अब फिर कोई कोई पैसे, जैसे मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कंपनी पैसा लगाने आया, कंपनी ऐसी वो अच्छी अच्छी बातें बताई है, मैं पैसा लगा के फंस गया, बाद में मुझे पता चला ये सब भी था, तो कंपनी कह गई कहां लिखा है कि सारी बातें बताने, जो मुझे पता थी मैंने बता दी, मुझे पता ही नहीं थी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रिंसिपल के आने की वजह से क्या हुआ, अगर कोई अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है बात आपको पता चलता, आप उसको फ्रॉड का केस डाल सकते हो, ठीक है ना। तो फुल डिस्क, तो कहानी को छोड़ो पॉइंट पाते, फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है विच इज यूजफुल फॉर यूजर्स शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक ऑफ अकाउंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स को चाहिए उन सबको आपको दिखाना है बस, ठीक है। ये आपका फुल क्या कहते हैं फुल डिस्क्लोजर, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आपका मेटिलिटी प्रिंसिपल। अब आते ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान समझना। मेटिलिटी मतलब ये कहता है ऑल द रिलेवेंट मटेरियल विच कैन इफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कांट बी थ्रोन, मतलब वो मटेरियल जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है, पोजीशन पर फर्क पड़ सकता है, उन मटेरियल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इरिलेवेंट चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो किसी का बिजनेस है 500 करोड़ का और 50 रुपए का पेन, इग्नोर करते चलता है, लेकिन किसी का बिजनेस है 5 लाख का उसके लिए 50,000 की मशीन, रिलेवेंट है, मतलब वो चीज जो अकाउंटिंग को कैलकुलेशन में रिलेवेंट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इरिलेवेंट चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। ये भी फुल डिस्क्लोजर जैसा ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आप इस, ये रूल लगाने का पर्पज ये था कि कोई भी रिलेवेंट चीजों को छुपा ना सके। देखो लिखा हुआ ये, दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड विच आर मटेरियल और रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनकम ऑफ द बिजनेस, इनकम भी बोल सकते हो, फाइनेंशियल पोजिशन भी बोल सकते हो, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे मटेरियल जिसका इफेक्ट इग्नोर करने से आपकी पोजीशन, आपका प्रॉफिट, आपका इनकम इफेक्ट कर जाए, वैसी चीजों को आप इग्नोर ना करो, वो सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाओ, रिलेवेंट चीजों को मटेरियल को आप इग्नोर कर सकते हो। लाइक फुल डिस्क्लोजर जैसे ही है, बट वो बात करता था इन्फॉर्मेशन की और ये बात करता है मटेरियल की। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट वही है पूरा। अगला प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्लाइंट डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस, मतलब कोई भी फ्यूचर में आपका प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड मत करो, बट जितने भी पॉसिबल लॉसेज होने वाले हैं फ्यूचर में उनके लिए आज से प्रोविजन बनाओ। जिंदगी हम रियल लाइफ में ही करते हैं, आपको एग्जांपल कहानी सुनाता हूं। सपोज मैंने कहा यार परसों मुझे 500 रुपए मिलने वाले, तो तुम बोलो कि चल ठीक है आज पिज्जा खिलाऊंगा क्या, कभी नहीं, मतलब पैसे तो आंदे भाई तब तो खिलाऊंगा, मतलब फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होना तो उसके लिए हम आज से खर्चा नहीं करते, आएगा तब करेंगे। लेकिन मान लो 4 नवंबर को मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे पता है इतने सारे बच्चे सबको पार्टी देनी है, 10-15 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा, तो मैं आज से पैसा अरेंज करने लग जाऊंगा, है ना। तो मतलब क्या है, रियल लाइफ में ही तो करते हैं, मतलब फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आप आज रिकॉर्ड मत करो, हो जान दो प्रॉफिट तब लिखेंगे, लेकिन जितने भी पॉसिबल लॉसेज होने वाले उनके लिए आज से प्रोविजन सब बनाते हैं। तो आप पढ़ोगे प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कोई भागने वाला उसके लिए प्रोविजन, इनकम होगा उस पर टैक्स देना उसके लिए, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन बनते हैं। मतलब सीधी भाषा में बोला जाए तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट फ्यूचर में जितने भी पॉसिबल लॉसेज है उसके लिए आज प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी, वेरी गुड, बस थोड़े और रह गए। अगला है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब ये मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में जब लिमिटेशन बताया था तब भी चीज बताई थी कि अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइज्ड वैल्यू ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये वही है भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। मतलब क्या कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कि कोई भी एसेट्स अगर आप खरीदोगे तो खरीदते टाइम जो पैसा पे कराया आपने उसी वैल्यू पे एसेट्स को लिखोगे, मार्केट वैल्यू का आप नहीं लिखोगे। हाँ आप बस अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, डेप्रिसिएशन से ही बस वैल्यू को घटाओगे, और बहुत सारी चीजों से एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है उन सब फैक्टर्स को आप शो करके नहीं चलोगे। मतलब पुरानी वैल्यू को कंटिन्यू करते हैं, मार्केट वैल्यू को शो नहीं किया जाएगा, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट द प्राइस पेड अक्वायरिंग देम, मतलब खरीदते टाइम जो आपने पैसा पे, यही मेन बात आगे देखो क्या, एनी सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द देयर वैल्यू इज नॉट शो इन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी कोई भी चीज है जिससे चेंज होता है उसको आपको शो करने की जरूरत नहीं। ये बात देखिए मतलब क्या, सीधी सी बात बोल जाए कि एसेट्स को जिस वैल्यू पे आपने खरीदा है, खरीदते टाइम जो पैसा पे किया आपको वो वैल्यू लिखनी है,
और डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं हम, बट मार्केट वैल्यू को शो नहीं किया, मतलब पुरानी वैल्यू कंटिन्यू करके चलना, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कमी है अकाउंटिंग के। अगला मैचिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो एक फॉर्मुला मैचिंग का, रिवेन्यू इक्वल टू इनकम इक्वल टू रिवेन्यू, यहाँ पे कॉलम दिख रहा होगा आपको फॉर्मुला इनकम इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के, मतलब जो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, उसके सारे रिवेन्यू में से एक्सपेंस को डिडक्ट करके इनकम निकालना, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। देखो ये लिखा है, द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट इट इज नेसेसरी टू चार्ज ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रिवेन्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अगेंस्ट दैट रिवेन्यू इज ऑर्डर टू बी असर्टेन द नेट रिजल्ट। ठीक, दैट इज मैचिंग, मतलब एक बिजनेस के रिवेन्यू में से एक साल के सारे एक्सपेंस को हटा के प्रॉफिट फाइंड आउट करना, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। सीधी सी बात में बात की जाए तो क्लियर वन, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात, आगे देखते हैं अगला है। बस खत्म याद है, बस डूल एस्पेक्ट बाहर पड़ता है, डेबिट क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट डेबिट होगा एक अकाउंट क्रेडिट होगा, ये प्रिंसिपल ही कहता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, वन अकाउंट शुड बी डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, हर एक के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा क्रेडिट होगा, यही कहता है डूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। देखो क्या, दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो नॉन एज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेट दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्डिंग इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एंड दिस टू अकाउंट दैट इज डेबिट और बुक कीपिंग अकाउंटिंग जो पढ़ता है पहली क्लास से कि हर ट्रांजेक्शन के दो चेक फैक्ट पड़ेगा, अकाउंट डेबिट होगा दूसरा, ये प्रिंसिपल यही है। अगला है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, कब रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज, देखो हमने पढ़ा था अक्रूअल अजम्पशन, उसमें इनकम रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों की बात करता था, उसमें से रिवेन्यू वाली बात लिख दो, ये हो गया बस। देखो ये लिखा, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इनकम इज ट्रीटेड एज बीइंग अर्नड ऑन द डेट ऑन विच दिस इज रियलाइज द डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज आर रेंडर्ड टू द कस्टमर, मतलब जिस दिन, वही मतलब आधी बात लिखना है, अक्रूअल अजम्पशन की आधी बात लिख दो, सीधी सी बात सुन दो, तो मतलब जिस दिन आपको पैसा मिल जाएगा उस दिन को नहीं याद रखना, जिस दिन आपने कमाया उस दिन को याद रखना। जैसे सपोज मैंने इस महीने 20,000 रुपए कमाए तो मुझे सिर्फ 15,000 ही मिले, तो कमा तो 20 लिया तो पूरे 20 लिया, मतलब रिवेन्यू कब लिखेंगे, जिस दिन आपको इनकम हो गई है, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। तो अक्रूअल अजम्पशन में सिर्फ इनकम वाली बात को उठा के लिख दो, नया याद रखने की जरूरत नहीं। और लास्ट है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, तो हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग जो होती है वो एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे होती है, तो ये प्रिंसिपल कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई ऑल द एविडेंस एंड वाउचर देन अकाउंटिंग शुड बी, मतलब पहले सारे एविडेंस और वाउचर को वेरीफाई कर लो, उसके बाद आपको अकाउंटिंग करने, जो भी वाउचर बिल बिल जितने भी वाउचर्स होते हैं सबको वेरीफाई कर लो, ये इसमें लिखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतने ही आपके अजम्पशन है, प्रिंसिपल है, कुल मिला के 3 अजम्पशंस और 11 प्रिंसिपल, अच्छे से इन्हें पढ़ लो, शॉर्ट नोट बना लो, याद कर लो, क्योंकि बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बस आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछो, उसका आपको